इन दोनों भारत सरकार की विदेश नीति चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मसला हो या फिर यूक्रेन की जंग में रूस की निंदा न करना या फिर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध में उनका साथ न देना। विदेशी नीति के जानकार मान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरीके से साबित कर दिया है कि देश को स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञ की माने तो यूक्रेन की जंग के बाद जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भारत के उनके दुश्मनों पर रणनीतिक फायदा न मिलने देने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन भारत और पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि वे वो पल है जो उन्हें ताकतवर साबित करने में मददगार साबित होने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ डेरिक ग्रॉसमैन कहते हैं कि भारत का एकमात्र लक्ष्य है कि वो एक ऐसे आत्मनिर्भर सुपर पावर देश की तौर पर सामने आ सके जिस पर किसी देश का कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ सके। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत तक करने लगे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है। दोनों देशों के रिश्ते ने हाल के कुछ दिनों में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान को मदद करने के नाम से अभी दोनों के रिश्ते में थोड़ा गर्माहट बनी हुई है। साल 2018 के बाद भारत और अमेरिका और करीब आ गए थे। दोनों देशों ने कई सालाना शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, कई अहम समझौते में भी साइन किए थे। क्वाड में दोनों ही देश साझेदार हैं और पिछले महीने जापान में क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मीटिंग थी। भारत हाल ही में अमेरिका की उस नीति का हिस्सा बना है जो हिंद प्रशांत की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। इस नीति का मकसद इस क्षेत्र में आपसी सहयोग का एक औपचारिक संधि के रूप में आगे बढ़ाना है। इस साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत ने उस नीति को अपनाया जो उसके हितों के लिए फायदेमंद हो। भारत अपने सैन्य उपकरण के लिए रूस पर निर्भर है, ऐसे में रूस की निंदा ना करके भारत ने इससे दूरी बनाने की बेहतर समझे। पहले तो मोदी सरकार की रणनीति ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के साथ रिश्तों पर निर्भर करेगी भारत। मार्च में बाइडेन ने कहा कि रूस को सजा देने वाला भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर है। अप्रैल में अमेरिका के उपराष्ट्रीय सलाहकार दिलीप सिंह भारत आए थे। यहाँ पर उन्होंने धमकाने वाले अंदाज में भारत को कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों को अनदेखा करने का गंभीर नतीजे भुगतना पड़ सकता है भारत को। लेकिन अप्रैल के मध्य तक बाइडेन प्रशासन के सुर ही बदल गए थे। बाइडेन और मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में 2+2 वार्ता की शुरुआत की। इससे ये स्पष्ट हो चुका था कि बाइडेन मोदी की स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं। अमेरिका की तरफ से जो रीड आउट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग जारी रहेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बात बताने के लिए काफी है कि भारत किस तरह से महाशक्ति का दर्जा हासिल करने की तरफ बढ़ चुका है। उनका कहना है कि भारत में अब इतनी क्षमता है कि वह वैश्विक सिस्टम को पलट सके। रूस और यूक्रेन की जंग ने भारत को काफी फायदा पहुंचाया है। अमेरिका के विरोध के बाद भी रूस पर भारत की नीति कायम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हो या यूरोप के, सबके साथ सहयोग बना हुआ है। लेकिन अगर युद्ध और चला तो भारत अपना फैसला बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकोली नेशनल, न्यू दिल्ली।